निर्मला जी, आपका लड़का फिर से फेल हो गया, आप ध्यान नहीं देते क्या इस पे? मैडम जी, हम तो बहुत ध्यान देते हैं, हर सब्जेक्ट के दो दो ट्यूशन लगवा रखे हैं, लेकिन फिर भी इसके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं जी। मेरे को तो ऐसा लगता है किसी ने हमारे लड़के पे जादू टोना कर रखा है। हाँ? अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? अजीब अजीब हरकतें करता है जी, कल तो चलती गाड़ी में से कूद गया और नुकरे की आई लव यू मम्मी, ऐसे नहीं होता। कैसे होता है बेटे? की डू यू लव मी? देखो जी, हमारे खानदान में काका होते थे, काकी होती थी, जो की पहली बार होया। कोई बात नहीं जी, ऐसे तो आजकल के बच्चे करते ही हैं, आप इसको थोड़ा डांट के रखा करो। और कितना डांटे जी, डांट के तो बेचारा कभी सूख के काटा हो गया, देखियो। नहीं, सूखा हो तो कहीं से भी नहीं लग रहा, इनफैक्ट मुझे तो पिलपिला लग रहा है। नहीं 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 मैडम, आप ऐसे पड़ोसियों की तरह हमारे लड़के का मजाक मत बनाओ। क्यों, पड़ोसी ऐसा क्या बोलते हैं? बस क्या बताएं जी, पड़ोस के बच्चे इसको लिटिल डायनासोर कह के भाग जाते हैं। अच्छा, और क्या जी, और कुछ बदमाश बच्चों ने तो इसके हाथ पे भी लिख दिया बेचारे के। दिखा बेटा मैम को, ना शर्मा मना बेटा, दिखा, दुनिया तो फेस करनी है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत गलत किया जी। अब आप ही देख लो जी, दुनिया वाले हमें बिल्कुल नहीं जीने देते, अब ये किसी एंगल से लगता है डायनासोर। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। आपके लड़के ने हमारे नाक में दम कर रखा है, सभी यूनिट टेस्ट में फेल है और कभी भी होमवर्क करके नहीं लाता है ये। होमवर्क का तो जी के बताऊं, कती अपने पाप पर गया है। दोनों बाबू बेटा होम का एक काम करे खुश नहीं जी, मेरी तो कती जिंदगी बर्बाद कर रखी है। इन तो घर का छोटा सा काम कह दो ना, इनकी नाड़ टूट जाए न्यू। तू क्या करके बता रहा है? बनाओ शाहरुख खान। मारी पानी की मोटर 10 दिन तक खराब पड़ी है, दोनों बाबू बेटा तो कह ली, मैं कहा ठीक करवा दो, ना करवा पता क्या करे। फिर आप पानी कहाँ से लाते हो? पड़ोसिया के लिया जी बाल्टी भर भर, और ये भी सुमर में के मुंह तो 100 रुपए पाइप ने मेरे तो ना हो ये काम। प्रमोद, थोड़ी हेल्प करा दिया करो अपनी मम्मी की। क्यों झूठ बोला माँ, सारे तो काम करूँ। रहने दे तो श्रवण कुमार, एक नहीं सुनता तू मेरी, ये बाड़ा की कह ली, कह बार कटवा लेने टोकरा सा धर रहा सर पे, गोभी बो गए इनमें। आप बालों को छोड़ो, इसके नेल्स देखो जरा कितने गंदे हैं, सफाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है आपका बच्चा। कहने लगी मैडम जी अपने बाप पे गया है, दोनों इतने शेड्यूल हैं, पूरा घर छड़ा रखा है हमारा, जुराब काट के नू एक उस कुंड में फेंकेंगे, एक उस कुंड में फेंकेंगे, और पेंट काट के नू चक्री बनाएंगे नू अभिमन्यु की तरह ले बेड पे। गणेश के बाबू ने 10-10 नौकर लगा रखे हैं साफ करने के लिए। अभिमन्यु ना मावो कृष्ण है। चुप हो जा रहा, इसी मारवी कोनी ठोडी पे, अरे चक्री खाओगा कृष्ण है। प्रमोद, घर में सफाई रखा करो थोड़ी बहुत तुम। सफाई रखता हूँ मैडम। झूठ मत बोले, दोनों बाबू बेटा 10-10 दिन नहीं नहाते जी, इसका तो मैं फिर भी सांड के दो रेपटे मार के नहा दूं, पर उस लोग ने किस तरह नहाऊं? देखो जी, हमें आपके लोग से कोई मतलब नहीं है, हम आपके बच्चे की बात कर रहे हैं। अरे बुआ, जब यो बच्चा भी तो उस लोग में तेल निकड़ा होगा ना, जब वो सुधरेगा ना, जब यो सुधरेगा, एक का नस्ल है। राम राम मैडम, राम राम। राम राम। आपके लड़कों ने तो पूरे स्कूल में गुंडागर्दी मचा रखी है, पूरा दिन लड़ते रहते हैं दोनों। अच्छा मैडम, अरे लड़ा करो तुम स्कूल में। नो फादर। दूर है। नेवर फादर। मैडम देखो, ये शक्ल तक कैसे भी लगते हो, बालक दिल के बहुत सच्चे हैं, बहुत डिसिप्लिन भर रखा है मैंने इनमें, एकदम आज्ञाकारी है। दिखाओ आपको। दिखाओ। झुक जाओ, रिपोर्ट हो जाओ। स्कूल पढ़ना हो तुम लड़ा ना हो। मैडम इनका नरी कौन ही मारा, जब सुधरेंगे माने बेरा है इनका। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी इंग्लिश की आ रही है, इनकी इंग्लिश बहुत वीक है, आप घर में इंग्लिश में बात नहीं करते क्या? क्या बात कर दी मैडम आपने, हम तो सुबह शाम इंग्लिश में बात करते हैं। क्यों बॉयज? यस फादर। जॉनी जॉनी? यस पापा। ईटिंग सुगर? नो पापा। टेलिंग लाई? नो पापा। ओपन योर माउथ। देख लो इस तो ऊपर है कोई अंग्रेजी। दिख रहा है मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग इंग्लिश है इनकी। बाय द वे, आपका क्या प्रोफेशन है? मैं तो जी देखो डॉक्टर हूँ। आपने दिलबाग क्लिनिक का नाम तो सुना होगा ना? हाँ सुना तो है, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। फादर साहब के क्लिनिक की एड तो हर गली में है ना, अपने स्कूल के सामने भी लगी एड। स्कूल के बाहर तो किसी गुप्त रोग के डॉक्टर की एड है ना? वो ना चीज, मैं ही तो हूँ गुप्त रोग स्पेशलिस्ट, एक टीके में चढ़ से खत्म, दिलबाग क्लिनिक। फादर आपने। सर देखो, ऐसे ही चलता रहा ना तो आपके दोनों लड़के फेल हो जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। मैडम देख लो, कुछ ले देगा अगर पास होते हो तो करवा दो, वरना अपना फैमिली बिजनेस तो है ही आयुर्वेदिक क्लिनिक, कुछ और नहीं तो ये जड़ी बूटी कूट लेंगे। क्या बॉयस,
बता देंगे। सुनीता जी आपके लड़के की नोटबुक पे कभी कवर नहीं होता, हमेशा दूसरों से सामान मांगता रहता है। आप इसको सामान नहीं दिलवाते क्या? मैडम आपने हम कत्ती परेशान कर दिए जी, हर तीसरे दिन आप नया सामान मंगाते रहते हो, कदर चार्ट ले आओ, कदर कवर ले आओ, कदर ग्लेस पेपर, कदर इंक पोट। मम्मी से भी लाते हैं सामान। तो पहले बित्ती से मुके हमारी यहाँ दितंका तो आपके सामान लाने में निकल जाती है जी, हमको दो टूक रोटी खाएगी नहीं घर पर शांति से, अब ग्लेस पेपर से जिंदगी चल जाएगी। देखो जी स्कूल में ये सब चीजें तो लानी ही पड़ेंगी। फिर आप फीस किस नाम की लेते हो? वे जो 2,500 रुपए लेके अपनी जेब में धर लेते हो हर महीने, उनका क्या यूज है? कापी पेन पेंसिल कुछ तो दिया करो। पेंट ब्रश भी मंगाया मैडम ने। अरे बिट्टी से मुके तो बड़ा दूंगी तेरा एम एफ हुसैन। हाँ बताओ मैडम। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, स्कूल में इतनी फैसिलिटीज है, जैसे स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में हमके डूब के मरे, सर्दी हम आप कह दो ठंड ज्यादा है, गर्मी हम कह दो पानी नहीं आ रहे, मन्ना सारा भी रहे बालक स्विमिंग पूल में केक रहे हैं। बता रहे केक रहे करो। गोड़ी गोड़ी खेले मम्मी। लंबी गोड़ी छोटी गोड़ी? लंबी। बच्ची साहब पटापट बोल रहे बित्ती से मुगा। बताओ ये फैसिलिटी दे रखी है आपने, ओलंपिक में गोड़ी गोड़ी खेल लेंगे? नहीं नहीं फैसिलिटीज तो देखो सारी हैं, जैसे स्कूल बस है। देख रखी है मैंने सारी स्कूल बस, वह डोडा सी मेटाडोर भेज दो, मैं तूड़े की तरह बालक भरे रहे, धक्के मार मार फिट करने पड़े। फैसिलिटीज ये सब छोड़ो, सुमित आपको पता है ना कल हम एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं सोलर सिस्टम पर, तो कल आपको बड़े बड़े बॉल्स लेके आने हैं, ठीक है? बॉल्स का क्या करोगे? मम्मी प्लेनेट बनेगा उससे। ईसा थप्पड़ लगेगा, तू और तेरी मैडम दोनों प्लूटो पे पाओगे, बॉल्स बनाएंगे प्लेनेट किसे मुगा। सर आपका लड़का क्लास में हमेशा लेट आता है। अच्छा जी लेट आता है, अरे बदतमीज। मैडम हम अपने जमाने में 16 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाते थे, फिर भी हमेशा टाइम पे पहुंचते थे, और इस गधे को इतनी अच्छी साइकिल लेके दे रखी है फिर भी लेट आता है। पापा मोटरसाइकिल दिला दो। बस ये जिद पकड़ रखी है, चूतरा नीचे मोटरसाइकिल दे दो, उसके कान दबोचे दबोचे गलिया में आंडे जाएंगे नुआस की करते, फिर तह राजी। नहीं जी देखो आप बच्चे को कंट्रोल करो, वरना ये आपके हाथ से निकल जाएगा। कितना कंट्रोल करें मैडम, खूब समझाते हमारी सुनता ही नहीं। हमारे जमाने में माँ बाप का डर होता था, इनको कोई डर नहीं है, अगर हमारे पिताजी पाद भी देते ना तो हम घर के बाहर जाके हंसते थे। और ये आजकल की जनरेशन है, मुंह पे पकौड़ा क्या के भाग जाते हैं, कर लो ऐसी औलाद का क्या करोगे। नहीं ठीक कह रहे हो जी आप, आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे, मेरी खुद की बेटी मुझे पतौड़ी पतौड़ी कह के बोलती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं पतौड़ी हो गई। यार तेरा चेतक पहचान ले, अरे जब हुआ वो लोग भी थे बच्चे में निकले होगा। बोल्स का क्या करोगे? मम्मी बोल्स से ना प्लेनेट बनेंगे बड़ा बड़ा। कोडे हो जाओ रे। बाकी अपना क्लिनिक तो है ही, दोनों कुछ और नहीं करेंगे तो जड़ी बूटीज तक फूट लेंगे। नहीं ठीक कह रहे हो आप भाई साहब बिल्कुल, मेरी खुद की बेटी मुझे पतौड़ी पतौड़ी कहती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना पतौड़ी हो गई। आप ज्यादा दिल पे मत लिया करो इन बातों को, कुछ नहीं होता।